सैंडविच ढोकला ये बहुत ही फेमस गुजराती फरसान है और ये बहुत ही आसानी से घर पे बनाया जा सकता है। इस स्वादिष्ट सैंडविच ढोकले को आप सुबह के नाश्ते में या बच्चों को टिफ़िन में नाश्ते की तरह सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सैंडविच ढोकला बनाना। एक मिक्सिंग जार में आप सबसे पहले एक कप चावल का आटा लीजिए, ये बाज़ार में तैयार मिलता है। एक तिहाई कप उड़द दाल का पाउडर लीजिए। एक चौथाई कप दही लीजिए। मिक्स कर लीजिए। आधा कप पानी डालिए। अच्छे से मिला लीजिए और फिर इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए स्मूथ पेस्ट में। पीसते वक्त अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप इसमें पानी ज़रूरत अनुसार और डाल सकते हैं। मैंने इसमें एक कप पानी और डाला है। इस मिश्रण को अब एक बाउल में निकाल लीजिए। एक बार मिला लीजिए। इस बैटर की कंसिस्टेंसी जिस तरह हम पकोड़ों के लिए बेसन का आटा करते हैं उस तरह की होनी चाहिए। अब इस बैटर को ढककर कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए गर्म जगह पर फर्मेंट होने के लिए रख दीजिए। से 6 घंटे के बाद चेक कर लीजिए, ये बैटर एकदम हल्का हो गया होगा और इसमें अच्छा खमीरा भी आ गया होगा। अब 2 छोटी चम्मच मिर्ची और अदरक का पेस्ट डालिए और मिला लीजिए। स्वाद अनुसार नमक डालिए और मिला लीजिए। 1 बड़ा चम्मच तेल डालिए और इसे अच्छे से मिला लीजिए। तेल से ये ढोकला ड्राई नहीं लगेगा खाते समय। अब एक ढोकले की प्लेट को अच्छी तरह तेल से ग्रीस कर लीजिए और इसे साइड में रख दीजिए। अब ढोकले के मिश्रण में 1/2 छोटी चम्मच ईनो डालिए और उसे अच्छी तरह मिला लीजिए। ईनो से ढोकले और भी सॉफ्ट बनेंगे। अब जो ग्रीस्ड थाली है उसमें 1/2 ढोकले का मिश्रण डाल दीजिए और उसे अच्छी तरह से फैला लीजिए। इसे हल्का सा टैप भी कर लीजिए जिससे कि कोई एयर बबल्स होंगे तो वो निकल जाएंगे। अब इडली स्टीमर में जब पानी में उबाला आ जाए तब इसमें ढोकले की प्लेट रख दीजिए और इसे 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम होने दीजिए। 5 से 7 मिनट के बाद चेक कर लीजिए ढोकला स्टीम हो गया होगा और थोड़ा हार्ड हो गया होगा। अब इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच हरी चटनी का मिश्रण अच्छे तरह फैलाते हुए लगाइए। आप चटनी अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा लगा सकते हैं। अब बाकी के बचे हुए आधे मिश्रण को चटनी के उलियर के ऊपर अच्छी तरह साइड से कवर करते हुए धीरे धीरे चम्मच की मदद से फैला लीजिए। जब ये अच्छे से कवर हो जाए तो प्लेट को हल्के से ठोकिए ताकि वो लेयर इवन हो जाए। ऊपर से मोटी पीसी हुई काली मिर्ची छिड़के और इसे ढककर अधिक आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख दीजिए। जब ढोकला पक जाए तो इसे स्टीमर में से बाहर निकाल दीजिए और इसे पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए। अब ढोकले के बघार के लिए एक छोटे पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालिए। तेल गरम हो जाए तो इसमें 1/4 छोटी चम्मच राई डालिए। राई फूटने लगे तो इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालिए और आंच बंद कर दीजिए। 5 से 6 कड़ी पत्ता डालिए। बीच में से लंबी कटी हुई 2 हरी मिर्ची डालिए। अब ठंडे ढोकले को चौरस या डायमंड शेप में कट कर लीजिए। ऊपर से तैयार किया हुआ वघार अच्छे से फैलाकर डालिए और ताज़ा हरा कटा हुआ 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया डालिए। ढोकले के पीसेस को एक प्लेट में निकाल लीजिए और ये खाने के लिए तैयार है। तो स्वादिष्ट गुजराती सैंडविच ढोकला तैयार है। इसे सुबह के नाश्ते में खाइए या इसे बच्चों को टिफ़िन में डाल के दीजिए, ये सभी का दिल लुभा लेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
और हमें कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।